हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? नए घर में बहुत बहुत स्वागत है। नए घर में नहीं, दूसरे देश में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आइए रही मम्मी मिमी, हेलो करो मिमी। तो मिमी को नया बस, मतलब उसको अपना पुराना वाला बस बहुत टाइम बाद मिला है, जो उसको याद भी नहीं है कि उसके पास यहाँ पे कोई बस भी था। तो इसलिए वो खेल रही है, इंजॉय कर रही है। और पूरे घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है, क्योंकि दीजी भी 15-20 दिन से थे नहीं, इसलिए भी गंदा हो रहा है। और कुछ जेंट्स कहाँ इतना ध्यान देते हैं, देखो प्लेट की कंडीशन क्या है। इसमें मनी प्लांट रखा हुआ था, तो उसकी तो अभी कटाई छड़ाई करके यहाँ पे रख दिया है। और बहुत ज़्यादा धूल हो रखी है सब में बहुत धूल हो रखी है। यहाँ की डस्ट थोड़ी सी है कि ब्लैक कलर की नहीं दिखती, थोड़ी वाइट सी पाउडर जैसी डस्ट है। और बहुत ज़्यादा भी बुरी कंडीशन नहीं है, लेकिन डस्ट बहुत ज़्यादा है, तो सारा काम करना है। जैसे इसका झूला वूला बहुत गंदा हो रहा है। कल आने के बाद पहले तो बेडशीट चेंज करी थी, पुरानी वाली हटाई थी। मैं सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ। मम्मी कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ दीजिए ने अपना सारा दाल वाल कुछ बनाया तो है ना, यहाँ सजा के रखा हुआ है। मम्मी कुकिंग वगैरह तो कुछ भी नहीं करते थे। कल मैंने बस थोड़ा सा आलू प्याज वगैरह मंगा लिए थे। रात में खाना सोचा बना लेंगे, लेकिन कुछ बनाया नहीं, लेकिन मैंने मंगा लिया था। आज बनाऊंगी, कुछ भी कुक करूंगी आज। बाकी सब सही चल रहा है, बस गंदा हो रहा है बहुत ही ज्यादा सब कुछ। गंदा नहीं हो रहा है, सब सामान इधर उधर, सामान भी इधर उधर रखा है। धूल तो हो ही रही है मम्मी, खिड़कियां देखो कितनी गंदी हो गई हैं। तो मम्मी को समझ नहीं आ रहा है पानी की आवाज कहाँ से आ रही है। थोड़े से राइस मम्मी के लिए बनाए थे, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी कल रात आने के बाद। खीरे की व्यापार। तो चलिए काम शुरू करते हैं। ये देखो तुम कह रही हो गंदा नहीं हो रहा, ये देखो माइक्रो पहले जहां सामान रख के पोछ पोछ को वहां लगा दे, उसके बाद से अच्छे से सफाई हो जाएगी। हाँ पहले मैं ये डिब्बे वगैरह सब ना ऊपर उठाती हूँ, फिर सब लगा है ना। तो पूरा स्लैब साफ करो। हाँ फिर स्लैब साफ करके बर्तन क्लीन करके सब ये रखते हैं। ब्रेड खा भी, ग्रेप्स का भी, पता नहीं कब के ग्रेप्स हैं फ्रिज में रखे हैं। ग्रेप्स का भी, ग्रेप्स का भी करो। अच्छा बस वॉश कर लो ना, दो दीदी उनको। इस कमरे की कंडीशन ऐसी है, ये देखना क्या रही गंदगी नहीं है, देखना क्या कर रखा है, ये देखना ये क्या कर रखा है अभी। और हमारे लक्ष्मी गणेश जी और मिमी को खूब मजे आ रहे हैं अब, हैं भाई मिमी इसको अब इस हाँ तब इसको ना समझ नहीं आया कि इतना अच्छा है ये। अब ये थोड़ी बड़ी हो गई है ना, अब समझ में आ रहा है। पकड़ के बैठो, पकड़ो, हाँ पकड़ के, हाँ अच्छे बड़ी हो गई हमारी लड़की। तो आपे तो मेरा साथी जो कि वो भी गंदा हो रहा है, इसको भी क्लीन करना है। देखना इसको अब यूज करने का टाइम आ गया है बहुत टाइम बाद। हे गाइस वेलकम बैक। मैं आप लोगों से तो पूछना ही भूल गई, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश खुशहाल होंगे। तो यहाँ पे ना सब मतलब मैं और मामा क्या करें, सारे जितने भी डिब्बे हैं वो सब कुछ अच्छे से क्लीन कर रहे हैं। मतलब एक हमने कपड़ा ले लिया, उससे हम लोग डस्टिंग कर लेते हैं जिससे कि क्लीन हो जाए बॉक्स। और इनको सबको ना मैं बाद में धोऊंगी, क्योंकि ये फुल थे सारे ज़्यादातर, क्योंकि मेरे जाने के बाद देवजीत ने कुकिंग तो करी ही नहीं। बस उन्होंने थोड़ी बहुत ही जो कुछ बनाया था तो उन्हीं के बॉक्सेस खाली हुए थे, क्योंकि मैं जब गई थी तो अनप्लान्ड था, एकदम से चली गई थी, तो किचन मेरी पूरी फुल थी उस टाइम पे। तो जो मेरे फ्रिज का सामान था सिर्फ वो मैं निकाल कर गई थी, बाकी तो सारे डिब्बे ऐसे ही फुल थे। और यहाँ इतनी ड्राइनेस होती है कि किसी भी चीज़ में मुझे डर था कि कीड़े वीड़े ना हो जाए, बट किसी भी चीज़ में कोई कीड़े ऐसे नहीं हुआ था। एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डस्टिंग, किचन क्लीनिंग, मॉपिंग, आज ये सभी है पूरे व्लॉग में, क्योंकि आज स्पेशली घर इतने दिनों से बंद था तो मेरे को क्लीनिंग ही करनी है आज। और बस अभी किचन से स्टार्ट इसलिए किया है कि किचन अगर सेट हो गई तो खाना वगैरह बनाने में आसानी हो जाएगी। आज तो देवजीत बेचारे ऐसे ही चले गए, उनको मैंने आज भी बोला बाहर से खा लो, क्योंकि इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी ना, तो मैं उनको सुबह नाश्ता ही करवा के उनको मैंने ऑफिस भेजा।
बाकी मैंने उनका लंच नहीं बना पाई क्योंकि गंदा भी इतना हो रहा था कि क्या चीज़ धोऊँ और क्या चीज़ करूँ इतनी जल्दी सुबह सुबह 8 बजे तक देव जी तो ऑफिस के लिए निकल जाता है। पॉसिबल ही नहीं था कि मैं इतनी सारी चीज़ें क्लीनिंग करके मैं उनके लिए भेजूँ, मतलब उनको खाना उनको साथ में भेजूँ। एक और चीज़ बताऊँ आप लोगों को, सोने पे सुहागा एक और हो गया। कल रात में उन टैप में पानी बहुत कम आ रहा था तो मैंने एक बार पहले इस टैप को क्लीन करके अपने हाथ से ही सेट किया था, बट कल रात मैंने टैप को जब खोला उसके बाद मैं ना टैप लगा ही पाई और मतलब बिना टैप के ही मेरे को अभी सारे बर्तन करने पड़ रहे हैं कल रात के लेके और सुबह के लेके सारे, तो ये और काम बढ़ गया। तो आज प्लम्बर को देजी तो ऑफिस से आते समय नहीं तो शाम को वो लेकर आएंगे, वो एक नया टैप लगाएंगे, ये वाला ही फिट कर देंगे, आई डोंट नो। बट अभी फ़िलहाल के लिए काम ऐसे ही चलाना पड़ेगा क्योंकि बर्तन भी इकट्ठा हो रहे हैं और किचन पूरी तरह से क्लीन करने के लिए सारे बर्तन वॉश करने भी बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद हम चलेंगे ड्राॅइंग रूम की तरफ क्योंकि ड्राॅइंग रूम की कंडीशन तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। यहाँ धूल वैसे भी ज़्यादा होती है बट ये लग है कि यहाँ की जो धूल है वो डिफरेंट होती है, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया जो इंडिया में जो धूल होती है वो थोड़ी ब्लैक कलर की होती है बट यहाँ थोड़ी सी ग्रेइश एंड मड कलर की होती है, तो ये अच्छा रहा क्योंकि देख के आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे डस्टिंग की ज़रूरत है। बट डस्टिंग की ज़रूरत मैं कहूँगी सुबह अगर आप डस्टिंग यहाँ करो तो शाम को ज़रूरत पड़ जाती है, इस तरह का होता है। तो मैं हर दिन एक बार कपड़ा मार ही देती हूँ, स्पेशली मिमी के लिए इतनी अच्छे से क्लीनिंग करना वैसे भी ज़रूरी है क्योंकि वो उन बच्चों में से हो गई है अभी कि उसकी बात ना सुनो तो वो ज़मीन पे लेट जाती हैं, तो उनकी वजह से मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब क्लीनलीनेस को बहुत अच्छे से मेनटेन करके रखना पड़ता है, डिसइनफेक्ट करके रखना पड़ता है, और नहीं तो फिर वही है कि बच्चे इतने छोटे होते हैं उनको समझ तो होती नहीं है, कोई भी चीज़ मुँह में उठा के खा लेते हैं। अभी भी उसको स्टिल समझ में नहीं आया है कि कोई चीज़ कैसे मतलब खानी चाहिए, कई बार समझ जाती है कि नहीं इसको नहीं खाना चाहिए चीची है, लेकिन अब कई बार फिर भी भूल जाती है, जैसे उसकी कोई फेवरेट चीज़ होती है ना तब उसको ध्यान नहीं रहता कि मैं ये चीज़ खाऊं कि नहीं खाऊं, तो जो चीज़ फेवरेट नहीं होती वो समझ जाती है कि उसको चीची है नहीं खाना चाहिए, तो इसलिए भी मुझे बहुत अच्छे से भी क्लीनिंग करके करना पड़ेगा, नहीं तो मैं थोड़ा बहुत एक दो दिन के लिए छोड़ देती। बट जो मेन था वो मैं आज सारी क्लीनिंग कर लूँगी। मम्मी भी इधर लगी हुई हैं, मम्मी अपना थोड़ा बहुत जो उनको समझ में आ रहा है वो कर रही हैं, मैंने तो उनको मना ही किया कि मैं कर लूँगी लेकिन उनको लग रहा है कि काम इतना ज़्यादा है कि अकेले मैं कैसे कर पाऊँगी, इसलिए वो भी थोड़ा बहुत मेरी हेल्प करवा रही हैं।
out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. तो अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ और अभी मैंने खाना बनाना शुरू किया है। बस अभी बर्तन वर्तन सारे अच्छे से वॉश करके जो रखे थे वो भी मैंने किचन में लगा दिए हैं, तो किचन भी क्लीन हो चुकी है। और मैंने मम्मी को बोल दिया है कि इंडिया में आपने बहुत काम कर लिया, अब यहाँ पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ का सारा सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगी। तो फिर उनको यहाँ लाने का फ़ायदा भी क्या हुआ ना, जब मैं अगर उनसे ही काम कराऊँगी तो फिर कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। अगर उनको काम करना था तो फिर वो मेरठ में भी रह के कर सकती थी, बट मैंने बोला उनको रेस्ट करने के लिए आप रेस्ट करो और सारा कुकिंग वगैरह सब कुछ मैं देख लूँगी। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ एग करी फूल गोभी भाजा, मतलब फूल गोभी का फ्राई होता है एक तरह का, वो बना रही हूँ। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, नमक एंड हल्दी पड़ती है और टेस्टी बहुत लगती है। वो थोड़ी सी ऑयली होती है बट अच्छी लगती है राइस के साथ खाने में। तो फूल गोभी भाजा और एग करी एंड राइस। मिमी के लिए दूध बैठाया है और थोड़े से उसके बॉयल्ड एग और राइस पहले ही कर दिया था तो उसने वो खा लिया है। और भी वो कुछ भी नहीं खाने वाली है, दिखाएगी ज़रूर हमारे साथ खाएगी बट वो खाने वाली कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा लंच होने वाला है, देवजीत यही खाना रात को इंजॉय कर लेंगे क्योंकि दिन में तो वो कुछ लेकर नहीं गए थे। मैंने उनको बोला था अगर टाइम मिलेगा तो ऑफिस से आ जाना क्योंकि ऑफिस पास में ही है, तो लेकिन मुझे पता है ऑफिस जाने के बाद फ़ोन करने का टाइम तो मिलता नहीं है, घर कैसे आएंगे खाना खाने के लिए। तो जैसे भी है अभी रात में वो ये वाला डिनर कर लेंगे क्योंकि मैंने इतना बनाया है कि रात का डिनर भी हमारा सॉर्टेड है, तो फिर कोई इशू ही नहीं है। Salam. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenji's saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. तो अभी जो है इकामा बनने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है। यहाँ पे भी एक मेरा ब्लड टेस्ट होगा, जैसे मेरा मेडिकल टेस्ट वहाँ पे हुआ था वैसा ही एक मेडिकल टेस्ट मेरे यहाँ पे होने वाला है, तो उसी के लिए ब्लड टेस्ट के लिए आए हैं। और उसको इकामा को बनने में 1 to 2 weeks लग जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे परमानेंट वीज़ा मतलब इकामा होल्डर हो जाएंगे मैं और मिमी। तो इसी के काम के लिए अभी हम लोग घर से बाहर निकले हैं और जहाँ हम लोग आए थे ना ब्लड टेस्ट के लिए उसी के पास में ही लुलू है,
लुलू मुरम्मा, तो हम वहाँ चले जाएंगे, थोड़ी बहुत घर की जो ग्रोसरी करनी है वो करने। Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenji Sax. करो अभी दीदी को। अभी दीदी कहाँ दिखाई दे रही है? कौन है ये? नोमा चाहिए हैं? नोमा की बोतल चाहिए? अब डायना कहाँ है बेटा? यही डायना है, नोमा इसका ब्रदर है। सुनचो अब डायना खोज रही है, डायना कहाँ है? लुलू और डेकोर सेक्शन में ना घूमूं एक बार तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं वही देखने आई हूँ। और मिमी अपना एंजॉय कर रही है, मैं अपना एंजॉय कर रही हूँ, मम्मी को भी अच्छा लग रहा है, होप सो। तो मम्मा भी फर्स्ट टाइम मैं मम्मी को बाहर लेकर आई कहीं रियाद में, क्योंकि रियाद के एयरपोर्ट से फिर हम घर चले गए थे। आज फर्स्ट टाइम मिमी मम्मा बाहर निकले हैं, और मिमी को तो मुझे नहीं लगता पहले वाला कुछ भी याद है कि हम लोग पहले कैसे घूमते थे। उसको ये लग रहा है जो, और मैंने मम्मी ने और देवजी ने फील किया है कि हम एक होटल में आए हैं और बस कुछ दिन यहाँ पे इंजॉय करके वापस चले जाएंगे। बट मुझे डर इसी बात का लग रहा है जब मम्मी वापस चली जाएगी तब मेरी क्या कंडीशन होने वाली है, क्योंकि मम्मा से बहुत ज़्यादा क्लोज है मिम्मी। मुझे बस इसी चीज़ का डर लग रहा है। Your favorite music on all the way baritone. Shut the lights, go infrared. Hey. Bas. Chale, very good. Pink aa gayi. Mimi ke harkatein dikhaungi sabko. तो मैं बहुत थोड़ा सा सामान ग्रॉसरी का लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने बताया था ना किचन ऑलमोस्ट मेरी फुल थी, थोड़ा बहुत ही सामान जो है वो खाली हुआ है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो फर्स्ट थिंग है जो कि ये जूस जो कि मिम्मी ने अपने लिए सिलेक्ट किया था, तो वो लिया है। सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल में कुकिंग ज़्यादातर करती हूँ तो सरसों का तेल लिया है। फिर ये मैक्रोनी पास्ता एंड जो वर्मसिली पास्ता होता है ना वो लिया है, ये नाश्ते के लिए ले लिया। एक ये चिकन ब्रेस्ट का पैकेट लिया है फ्रोज़न, और साथ में ये क्रीम, इस तरह की नरिशिंग क्रीम की रियाद में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मिमी के लिए। पीडियाश्योर विम लिक्विड जैसे, मतलब वो मुझे ऑफर में मिल रहे थे लुलू ब्रांड का, तो वो ले लिया बर्तन मांजने के लिए। ये इस तरह के ऑल पर्पज़ क्लोथ्स लिए, ये डस्टिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इंडिया के स्मॉल साइज़ के बनाना मिलते हैं वो ले लिया। देन साथ में लबान जो कि मट्ठा बोलते हैं वो लिया है, और नारियल का जो ये बुरादा बोलते हैं ना, वो उनकस बोलते हैं वो लिया है। ये मैं नारकोल लाडू बनाऊंगी, मतलब नारियल के लड्डू। फिर कुछ वेजिटेबल्स ले लिया, फूल गोभी, मिमी के लिए टूथपेस्ट ब्रश लाना भूल गई थी तो वो लिया है, और मैंने कद्दू ली है सब्जी में, मल्टीग्रेन ये आटा लिया है, और साथ में कुछ साग वगैरह ले लिया था जैसे कि पालक का साग, और मतलब तरह तरह के साग, में नाम भी याद नहीं आ रहा। मेथी मिल गई थी फर्स्ट टाइम मैंने मेथी देखी लुलू में, तो वो ले लिया। और ये चुलाई का साग है वो लिया है, मूली ली है,
क्योंकि मैं मिक्स वेज कुछ बनाने वाली हूँ इसके लिए, पनीर और ये फ्रोजन स्ट्रॉबेरी। तो ये थोड़ा बहुत सामान जो कि हम लुलु से लेकर आए हैं, मेरी ये फर्स्ट ग्रॉसरी है इंडिया में आने के बाद से। और हाँ, इंडिया गेट बासमती राइस ये हम रेगुलर यूज़ करते हैं तो वो लिया है। साथ में आ गए थे प्लम्बर भैया, मतलब हम जैसे ही आए ना उसके बाद देवजी ने इनको बुला लिया था घर पे, क्योंकि बिना नल के मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी और थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे। मैंने कहा जब तक आप प्लम्बर नहीं बुलाओगे मैं ये बर्तन क्लीन करने वाली, क्योंकि इसकी वजह से मैं गीली हो जा रही थी। तो मैंने कहा पहले आप प्लम्बर भैया को बुलाओ, और इन्होंने इतना फर्स्ट क्लास नल लग कर आए। वो पहले वाला जो टैप था ना वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया, उसमें पानी आ ही नहीं रहा था, इन्होंने भी ऐड किया तो तब भी पानी नहीं आ रहा था। तो हमने नया ये वाला नल लगवा लिया और ये बहुत फर्स्ट क्लास काम भी कर रहा है और बहुत मस्त भी है देखने में, है ना। मिमी की एक साइकिल रखी हुई थी, देव जी जब इंडिया से आए थे तो उनके फ्रेंड ने दी थी तो वो ले आए थे आते समय, तो उसको मैंने सोचा कि बैठ के थोड़ी सी देर लगेगा उसको अटैच कर देती हूँ, तो मिमी थोड़ी सी क्रैंकी कम होती है। तो बस मैं ये ब्लॉग को आज यहीं एंड करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ, नई शुरुआत के साथ। मैं खूब सारा ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए और हमारे ब्लॉग ऐसे ही देखते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। मिमी का साइकिल रेडी, मिमी साइकिल रेडी, गुड बोलो, यस यस। वी कैन स्पेंड आवर डे इन बेड।